अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है, वो है वारोदरा सिटी कल्चर कैपिटल ऑफ गुजरात, वारोदरा स्मार्ट सिटी। देखते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक्सप्लोर वायरस के एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे गुजरात के वडोदरा शहर के बारे में। वडोदरा गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर विश्वामित्री नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 141 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वडोदरा शहर का पुराना नाम बड़ौदा हुआ करता था, जो 1974 में आधिकारिक रूप से वडोदरा में बदल दिया गया। किसी काल में इसे चंदनवती भी कहा जाता था, जिसे चंदन नाम के डोडिया राजपूत के नाम से पहचाना गया। ये भी माना जाता है कि वडोदरा के नाम का अस्तित्व संस्कृत के शब्द वटोदर के बिगड़े रूप से बना हुआ है, जिसका अर्थ बरगद का तना होता है। नवरात्रि जन्माष्टमी को वडोदरा के लोग धूमधाम से मनाते हैं। वडोदरा को संस्कार नगरी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ गुजरात के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी वडोदरा को जाना जाता है। ये शहर गुजरात के पूर्व में समुद्र तल से 128 फीट की ऊंचाई पर 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार वडोदरा में लगभग 16,70,000 लोग रहते हैं, जिनमें 87% लोग पढ़े लिखे हैं। महिला पुरुष अनुपात की बात करें तो इस शहर में 1000 पुरुषों पर 921 महिलाएं पाई जाती हैं। वडोदरा शहर में 85.39% हिंदू हैं, इस्लाम के 11.40% लोगों के साथ 1.22% ईसाई, 1.22% जैन धर्म और 0.90% लोग सिख और बौद्ध धर्म के हैं। ये शहर आर्थिक दृष्टि से भी गुजरात के लिए महत्वपूर्ण शहर है। ONGC, IPCL, GACL जैसी नामी कंपनियां वडोदरा में ही शुरू की गई। इसके अलावा केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल उद्योग भी इनमें शामिल हैं। देश में पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स का 35% प्रोडक्शन वडोदरा में होता है। खेल जगत में वडोदरा की मशहूर टीम भी शामिल है, जिसे आमतौर पर लोग बड़ौदा क्रिकेट टीम के नाम से जानते हैं। इस टीम ने कई दफा रणजी ट्रॉफी को जीता है। ट्रांसपोर्ट के मामले में वडोदरा गुजरात के ही नहीं बल्कि भारत के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ये शहर दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग के बीच में आता है, जिस वजह से इस शहर में रेलवे की व्यवस्था काफी अच्छी है। वडोदरा में ही भारत का दूसरा ग्रीनेस्ट एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से देश के मुख्य शहरों, महानगरों और टूरिस्टिक शहरों तक सीधी फ्लाइट्स जाती हैं। वडोदरा में भी कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस मौजूद हैं, जिनमें पहले नंबर पर सूरसागर झील काफी मशहूर है। वडोदरा शहर में स्थित सूरसागर झील चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इस झील का नजारा और भी खास हो जाता है। सूरसागर झील के मध्य में मौजूद भगवान शिव की 120 फीट की ऊंची मूर्ति इस झील की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। रात में यह झील काफी सुंदर नजर आती है। इस झील में बोटिंग वगैरह को भी एंजॉय किया जा सकता है। अगर सूरसागर झील की व्याख्या कम शब्दों में की जाए तो ये झील शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल आराम चाहने वालों के लिए बेहद खास है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास पैलेस भी काफी पॉपुलर है। वडोदरा में मौजूद 1890 ईस्वी में निर्मित इस पैलेस को भारत के सबसे फेमस महलों की सूची में शामिल किया गया है। यहां तक कि इस पैलेस की तुलना लंदन में मौजूद बकिंघम पैलेस से की जाती है। लक्ष्मी विलास पैलेस को बकिंघम पैलेस की तुलना में करीब 4 गुना बड़ा और 500 एकड़ से अधिक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ बताया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस। तो जी गाइस, ये था वडोदरा सिटी और इसके जो मेन प्लेसेस थे वो भी आपको दिखाए गए कि कितने इंटरेस्टिंग प्लेसेस थे ये सारे, जिसमें वडोदरा शहर के बारे में बताया गया है कि वडोदरा का पुराना नाम बारोदरा था, ठीक है। इनके बारे में ये सारी चीज़ें समझाई गई और सूरसागर लक्ष्मी विकास पैलेस भी बताया उन्होंने। जो लक्ष्मी विकास पैलेस था वो भी बहुत खूबसूरत था और बहुत ही हरियाली उसमें बसी हुई थी। और ये वडोदरा शहर की प्लस पॉइंट मेरे को वही लगती है, लक्ष्मी विकास पैलेस जो वहाँ पर बना हुआ है वो बड़ा खूबसूरत है। आपका क्या कहना है इसमें? हाँ बिल्कुल, नो डाउट, उसमें तो कोई शक नहीं है कि खूबसूरती में वो पीछे है ही नहीं। सेकंड नंबर पूरा गुजरात ले लो,
हम सिर्फ अगर ये एक 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 चीज़ों के बारे में बात करते तो एक 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 चीज़ों से ये सवारा जाता है। सेकंड तो आज नंबर पर पूरा गुजरात आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, सेकंड नंबर पे गुजरात वाकई का सेकंड नंबर का ये सिटी है बिल्कुल। वडोदरा। लेकिन ये बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और एंटीक एंटीक आपने हाँ, देखा वो वहाँ पे वो क्या था जैसे जो कुछ 60 लाख आवाम वहाँ पे देखो ये रहती है, तो उन्होंने बताया 60 लाख समथिंग इनके जो थे, जितने भी उन्होंने बताया कि ये थे। और 12% जो है इस्लामिक ममालिक वाले देते हैं, बाकी 1% और 89% जो है सिख धर्म के वहाँ सिख, पे देते हाँ हैं। सिख ज्यादा वहाँ पे मेरे ख्याल से है ना, नहीं सिख का सबसे कम है, सिख का एटी मेरे ज्यादा नाइन बताया पॉइंट था। पे है, ठीक है। अच्छा 1% भी नहीं कह सकते हो, 1% भी पूरा नहीं हुआ। तो ज्यादातर सिख तो जो है वो अमृतसर हो गया, गुरदासपुर हाँ हो वहाँ गया, तो वो है ही ये तो सिखों का ना। सिखों का जैसे कि हाँ ज्यादा बिल्कुल। वहाँ पर सबसे ज्यादा रुझान होता है। अच्छा वो यहाँ पे देख ये है कि आपने गुजरात देखा के था लोग, ना ये जो कितने वो समंदर के जैसे कि किनारे की तरफ ये पूरा ये बना हुआ है, ये जो वारोदरा जो बना हुआ है इनका क्या है। नहीं समंदर से इतनी दूरी पर है डिस्टेंस बताया गया था उसमें वीडियो में, आपने देखा कि इतना हाँ डिस्टेंस दिखाया गया था समंदर से, इतनी दूरी पर वारोदरा सिटी है और गुजरात का दूसरा बड़ा सिटी है, ठीक है। पहले नंबर पे आपको पता है अहमदाबाद ही आता है, तो दूसरे नंबर पे वारोदरा सिटी जो है इंडिया का, ये गुजरात का। बिल्कुल। और ऐसा ही और ये वहाँ पे देखा आपने वो एयरपोर्ट की भी सहूलत है, एयरपोर्ट हाँ एयरपोर्ट भी, की सहूलत है। और वहाँ पे जो ट्रेन के बारे में बताया कि ट्रेन का यानी बहुत अच्छा ये लोगों ने कुछ निज़ाम वो बनाया हुआ, आपने देखा था बन रहा कि है ये वहाँ पे हाँ है ये कि वारोदरा की तैयारी मतलब हो रही है, ज़्यादातर देखो काम हो रहा है तो अहमदाबाद में हो रहा है। और मेडिसिन वगैरह का भी बताया उन्होंने कि कुछ हाँ जैसे लेकिन फैक्ट्रीज ज़्यादातर ये देखो वो। काम जो हो रहा है वो अहमदाबाद पे ज़्यादा फोकस होता है, और अहमदाबाद को मतलब वो सारा ज़्यादातर काम हो रहा है, वारोदरा में भी काम हो रहा है। अच्छा लेकिन ये है वहाँ कि जैसे वहाँ पे पढ़े लिखे माशाल्लाह ज़्यादा बताया गया कि सेवेंटी पढ़े सेवन लिखे परसेंट हाँ वहाँ कि पे और ये तो बहुत एजुकेटेड अच्छी लोग बात हैं। है कि एक खुशी होती है नहीं कि अगर जैसे ऐसे गांव में ऐसे सिटी में कि अगर वहाँ पे इतनी पढ़ाई को अहमियत देते। वारोदरा है तो बड़ा, लेकिन वहाँ की देखो कैपेसिटी थोड़ी कम बताए ना लोगों की रहाइश हाँ के, 16 लाख समथिंग। तो अगर अहमदाबाद में हम जाते हैं तो वो देखो 6 करोड़ से भी ऊपर मतलब के वो लोग वहाँ पे आ रहे, क्योंकि बिजनेस पॉइंट, ठीक है वारोदरा भी अपनी बिल्कुल। जगह है, वो भी अपनी जगह है, लेकिन वारोदरा लेकिन की खूबसूरती तरक्की में हाँ करते जा रहा है, माशाल्लाह खूबसूरती में वो आता जा रहा है, उसको मतलब अपग्रेड करने की पूरी कोशिश लगी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हनी फिर क्या ख्याल है, हम इसी तरीके से और वीडियोस के बारे में तैयारियां जी करें, जी इसी आपके तरह लिए मजे हम मजे की मजे और मजे की वीडियो लाते वीडियोस रहेंगे, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना ना भूलिएगा, भूलिएगा। और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।